नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र श्रोत्री एक फिल्मकार हूँ। भोभर मेरी पहली फीचर फिल्म थी और कसाई मेरी अभी दूसरी फीचर फिल्म है जो बनकर तैयार है और अभी रिलीज होना बाकी है। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उनके पास एक कहानी है जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है। मैं कहता हूँ बताइए या भेजिए कहानी। वो कहते हैं कि अभी कहानी लिखी नहीं गई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आइडिया या कॉन्सेप्ट जब तक दिमाग में है और उसे डेवलप करके कहानी के रूप में लिखा नहीं गया है, तब तक उस पर फिल्म बनाने की बात करना भी बेमानी है। फिर स्क्रिप्ट कैसे लिखी जानी है, उसका शॉर्ट ब्रेकडाउन क्या होगा, स्क्रिप्ट ब्रेकअप क्या होगा, प्री प्रोडक्शन वगैरह, टेक्निकल सब चीज़ें ये बाद में सोचने वाली हैं। इसके लिए तो हम एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस के लिए हमारे चैनल हारबिंजर क्रिएशंस पर एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें इन सभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बात की जाएगी। तो जो भी लोग फिल्म मेकिंग प्रोसेस को समझना चाहते हैं वो सीरीज को देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जब भी एपिसोड्स आएंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि संघर्ष करने का जो जज्बा है वह पहली जरूरत है किसी भी फिल्मकार की, क्योंकि सफलता एक ऐसी शय है इस इंडस्ट्री में जिसके मायने लगातार बदलते रहते हैं और संघर्षरत रहने के लिए जरूरी है कि आप में वो जज्बा कूट कूट कर भरा हो। यहां मैं अनुराग कश्यप की बात करना चाहूंगा जो मेरे पसंदीदा फिल्मकार हैं और जिनसे मैं काफी प्रेरित हूं। उन्हें अपनी हर फिल्म के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है और आज भी वो संघर्ष करते हैं अपनी तरह की फिल्में बनाने के लिए। तो यहां गुलाल की मैं बात कर रहा हूं, एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जिसका आखिरी शॉट लेते वक्त मैं उनके साथ था और मैंने उनका रिएक्शन कैप्चर किया था। तो आइए वो रिएक्शन देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों जो फिल्म बनाने का जज्बा है, जो पैशन है, वो सबसे जरूरी बात किसी फिल्मकार में होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। पूरा हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, खुश हूँ, बहुत बोलिए। कैसे कुछ सेलिब्रेट करेंगे आज? आज तो मीटिंग है, कल सेलिब्रेट करूँगा, सब लोग बॉम्बे आ जाए इसके बाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।